हाँ जी नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिम स्ट्रोलर में स्वागत है। अब मेरा नाम हितेश कुमार है और मैं हिमाचल प्रदेश टू कन्याकुमारी ऑल बाय वॉक कर रहा हूँ। आज मेरा 9वां दिन है और रात को मैं यहाँ गुरुद्वारा साहिब में रुका था, तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैं प्रसाद चख के यहाँ से निकलता हूँ। चप्पलों को बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे चप्पलें मैंने ले ली, बढ़िया है, सॉफ्ट चप्पल 200 रुपये की, 220 रुपये की मिली। तो बाकी दूसरी चप्पलों को मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगा, क्योंकि बिना मतलब बोझ साथ में उठाना ठीक नहीं है। और अब जो है मैं मेन रोड पे कनेक्ट कर जाऊँगा थोड़ी देर। हाँ जी, तो अभी सुबह के 7:11 हो रहे हैं और मैं गुरुद्वारा साहिब जी से निकल चुका हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैंने रात को, मुझे 10 बजे बहुत नींद लग गई थी गहरी, तो मैं 10 बजे सो गया था, लेकिन सुबह 5 बजे उठ के मैं 1 घंटे में क्लियर किया वो व्लॉग एडिट ना। लेकिन यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा और लंबा व्लॉग बन गया था वो, लेकिन चलो अब से मैं मतलब मेन ही चीज़ें शूट करूँगा, बाकी और नहीं। और चप्पलें तो कंफर्टेबल है ये, अब बस ये थोड़ी सी इसमें दर्द है क्योंकि वो एकदम पैर के नीचे बेस पे है ना, तो चलो चलते चलते हो जाएगा। अभी ये बाइक पे जा रहे हैं, चार बाइक्स ना, ये कल रात को मिल गए थे मुझे यहाँ गुरुद्वारा में। मुझे तब रूम नहीं मिल रहा था, तभी ये बोल रहे थे कि रात को ढूंढ रहे थे तेरे को कि भाई सहायता कर देते तेरी। चलो कोई नहीं, मैं भी गया था बाद में रूम, मेरे को बोलते कोई नहीं भाई पूरा सपोर्ट करेंगे। बाकी चलो अब आगे मिलता हूँ रास्ते में आपसे। हाँ जी, तो अभी 7:21 हो रहे हैं और मैं मेन रोड पर कनेक्ट कर चुका हूँ हाईवे पे। कोई ना, आप रख लो चप्पल, कहाँ ली थी और कहाँ आपकी, किसको मिली लिखी होगी इनके नसीब में। बाकी मौसम यार काफ़ी अच्छा है और ये बादल और हवा चली हुई है, तो आराम आराम से चले रहेंगे। और आज ये है कि आज जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है, बस पैरों वाली है, एक ही पैर में, वो भी मतलब दोनों में नहीं है, वो भी ठीक हो जाती है, तो तब तो मज़ा आ जाएगा। बढ़िया अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करेंगे हम फिर डेली का। यहाँ से शाहबाद 26 टू क्षेत्र 46 दिल्ली आके, यहाँ से ये रोड चंडीगढ़ के लिए निकलता है, चंडीगढ़ शिमला अपना, बाकी ये अपना स्ट्रेट रह गया दिल्ली वाला हाईवे। हाँ जी, तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने अभी तक 4.5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। और ये रहा जी अम्बाला शहर के लिए एयरपोर्ट, और ये इस तरह से ये फाइनली अभी हमारे 195 टू 200 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। चलो अब प्रॉपर ये हरियाणा का गेट भी लगा हुआ था, जग्गी सिटी सेंटर, काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स और होल सेल्स की शॉप्स हैं यहाँ पे। अभी हमने गेट क्रॉस कर लिया है और जो है काफ़ी पीछे जो है धूप तेज़ हो गई थी तो मैंने छाता ले लिया था, लेकिन आगे मुझे लग नहीं रहा, अभी आगे अच्छे खासे छाँव हैं क्योंकि बढ़िया पेड़ लगे हैं साइड में। बाकी यार फिर उसके बाद शाहबाद, फिर कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र तो ऐसे दूर है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि 48 to 50 किलोमीटर है, लेकिन यार शायद मुझे लगता है क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, बस थोड़ा सा पैर ठीक हो जाए, क्योंकि वो पैर के नीचे था ना तो पूरी तरह से ठीक नहीं हो था, बाकी दूसरे पैर वाले हो गए हैं ठीक अच्छी तरह, लेकिन चलो आज चप्पल अच्छी पहनी हुई है मैंने।
तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और मुझे काफ़ी देर हो गई है चलते हुए को। सुबह से मैं चला रही हूँ लगातार, मैंने अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया नहीं है। हाँ, 1 या 2 मिनट में कहीं खड़ा होना, लेकिन मैं बैठा नहीं हूँ अभी तक। मुझे ये करना चाहिए था, जैसे कि नीचे से आ रहा है ना रोड, नीचे वाले पे रहना चाहिए था। ये आगे कनेक्ट कर रहा है मेन हाईवे से, नीचे में बैठने की जगह काफ़ी अच्छी है। चलो कोई सीन नहीं है, आगे से ध्यान रखेंगे। बाकी यार कभी कभी धूप तेज हो जा रही है, कभी बादल आ जा रहे हैं, लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि आज ज़्यादातर धूप तेज ही रहेगी। बाकी चलो अब आगे कहीं खाने का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। अभी होटल वगैरह अभी कोई नहीं आया नहीं है। और यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्लॉग अपलोड करने की, क्योंकि ऐसे फ़ोन पे व्लॉग अपलोड करने से काफ़ी जल्दी बैटरी ड्रेन हो रही है फ़ोन की ना। अभी हो रहे हैं 8:58 और यहाँ से शाहबाद रह जाता है 21 किलोमीटर्स, और अभी तक शायद मैंने 6 या 7 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सुबह से मैं डायरेक्ट चला ही हूँ, मैंने अभी तक कोई खास ब्रेक बैठ के ब्रेक नहीं लिया नहीं है। और मन कर रहा है रुकने का, लेकिन अभी यार बीच में है नहीं, कुछ नहीं बैठने को। तो आगे फ्लाई ओवर आ रहे हैं, इसके नीचे कोई शॉप्स वगैरह भी होनी लगी हुई, वहीं पर रुकता हूँ। वहाँ आराम से 10-15 मिनट रेस्ट करूँगा, उसके बाद निकलूँगा आगे। ये जूस का स्टॉल है, चलो पूछ लेता हूँ इनको, कुछ मिलता है पीने को तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। नहीं तो कुछ खाने का यहाँ ना 5 मिनट रुक के, क्योंकि कब से मैं चला हूँ सुबह से ना, रुका नहीं हूँ तो थक गया हूँ थोड़ा सा। यहाँ 5 मिनट रुक के फिर चलता हूँ आगे की तरफ। और अभी ये कि अब धूप भी चल गई है, छाता लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो फिर आगे मिलता हूँ मैं आप सभी से। हाँ जी, तो अभी 9:21 हो रहे हैं और मैं फ्लाई ओवर के नीचे मैं रेस्ट करने के लिए बैठा था, वहाँ से मैं निकल गया, क्योंकि मैंने ज़्यादा देर रेस्ट नहीं की, क्योंकि भैया बता रहे थे कि ये जो आगे एक फ्लाई ओवर आ रहा है उसको पास करने के बाद एक और फ्लाई ओवर आएगा, उसके बाद किसानों का मतलब लंगर लगा हुआ है वहाँ पे बढ़िया अच्छे से खाना खा के चाय पी के 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर आगे की तरफ चल पड़ेंगे। तो तभी मैं कहा यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करना, चलो आगे मिलते हैं आपसे। बाकी अब यहाँ से जो है यहाँ से अंदर की तरफ गया अम्बाला बस स्टैंड के लिए रास्ता, और अंदर से होके राइट की तरफ रेलवे स्टेशन है परे वाली साइड। बाकी चलो ये ब्रिज क्रॉस करके एक और ब्रिज क्रॉस करना है, मतलब फ्लाई ओवर, उसके बाद आएगा वो। क्योंकि खाना तो मैंने सुबह खाया है, चावल खाए हैं और मतलब वो एक तरह की खिचड़ी थी चाय, लेकिन जल्दी डाइजेस्ट हो जा रहा है सब कुछ, फिर भूख लग जा रही है। तो वहाँ कुछ खाएंगे बढ़िया आराम से और 5-10 मिनट आराम भी करेंगे, क्योंकि ये है कि अच्छे से पेट भर गया, अच्छे से खा ली, रेस्ट हो गई, उसके बाद खींच देंगे आगे काम। ये है अम्बाला बस स्टैंड अंदर की तरफ, और ये फ्लाई ओवर बाईपास करके जा रहा सब कुछ। मुझे गूगल मैप दिखा रहा है ना कि इधर से चलो, देखो यार नीचे फायदा था, नीचे अंडे वगैरह सभी तरह के शॉप्स हैं। भूख लगी है अभी बहुत ज़्यादा ज़ोर की, तो कुछ खाने अभी वो तो लंगर आगे लगा होगा, देखता हूँ नीचे जाके कुछ खा लेता हूँ फिर आगे की तरफ बढ़ूँगा। रहने दो यार, काफ़ी पीछे रह गया सारा बाजार वगैरह ना, मार्केट वगैरह, और आगे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा।
कोई एक आधा अंडा खा लूँ, बॉयल या केले वगैरह खा लूँ, काफ़ी है। और ऐसे भी इतने पैसे कौन खर्च करेगा, 40-50-60 रुपये। आगे जहाँ लंगर लगा होगा ना वहाँ मैं, अब मेरे को एक चीज़ और हो गई है कि जहाँ खाने की मिलती है ना, मतलब अपॉर्चुनिटी, वहाँ तो गले तक भर लो, पेट दबा के खानी है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर और इस तरह से रास्ता भी। अभी 9:44 हो रहे हैं और अभी दूसरा ये फ्लाई ओवर कर रहा हूँ मैं क्रॉस ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे मैं कहीं पे लंगर खाता हूँ ना, तो वहाँ से एक या दो रोटी या कहीं पे किसी ने खाना खिला दिया होटल में, तो वहाँ से दो रोटी पैक करा ली, बैग में डाल दिया, क्योंकि आगे हो सकता है अगर ना मिले तो बैकअप के लिए अपने पास प्लान होना चाहिए। अगर मिल गई तो कहीं उसको किसी को, जानवर को या किसी और को खिला दिया, किसी और को दे दिया। लेकिन ये मुझे अभी ऐड करना पड़ेगा एक चीज़। इस तरह से रास्ता जी, अभी ना यहाँ से थोड़ा आगे है जो कैंपिंग लगी हुई है ना किसानों की, तो इसलिए मैं कहा भूख से गाय को मरना, मैं चॉकलेट खा लेता हूँ। इससे ये है कि काफ़ी ज़्यादा मीठे से एकदम एनर्जी आ जाती है ना, तो ये खा के फिर आगे निकलता हूँ। आगे इधर रहता है भोलेनाथ महाराज जी, कृष्ण महाराज जी, राधे राधे, आपकी हर इच्छा पूरी करे। ठीक है भाई, आपकी इच्छा पूरी करेगा, पूरी करेगा भोलेनाथ महाराज जी। सावन का महीना चल रहा है, वो भी देख रहा है अभी, हाँ, अपना अभी मतलब पैदल जा रहा है, अभी कन्याकुमारी जाना है 200 किलोमीटर। अभी आप आ गए हो भाई हिमाचल प्रदेश से, अभी लड्डू कन्याकुमारी जा रहे हो, तो इतने दूर पैदल जाओगे तो आप, आपको मतलब कि जरूर सक्सेस हो गए आप 101% क्या 201% 500 बिल्कुल भाई जी 1001% आपका मतलब ये इच्छा पूरी होगी आपकी। भोलेनाथ महाराज से आज आपकी दुआ लगा दी है हमने भी, ठीक है। फिर जाएंगे मंदिर में आज स्पेशल, मैं काफी दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, बाकी आज जाऊंगा भाई हितेश कुमार जी आपके लिए स्पेशल, कहूंगा मैं भोलेनाथ जी से, ठीक है, आपकी इच्छा पूरी करे। अभी भाई मिल गए थे, बोलते कि कोई नहीं आगे तक ले चलता हूँ, पर नहीं, पर यार ऐसे तो मैं बात करने में ऐसे को मिल जाए तो खुशी होती है, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं पहुँचा ना जहाँ लंगर लगा हुआ है, और अभी भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, एनर्जी नहीं है। बीच में भी कोई ऐसे खास शॉप दुकान भी नहीं आई नहीं है ना, मतलब मैं चलो 10-20 रुपये का कुछ जैसे केला या अंडा वगैरह कुछ ऐसा खा लेता टेम्परेरी। चॉकलेट्स तो खाई मैंने ना, लेकिन यहाँ ये था कि फिर मैं खड़ा रहा इतनी देर, खड़े रह के अब जैसे इतनी देर से मतलब 2-2.5-3 घंटे से मैं लगातार चल के आ रहा हूँ, तो पैरों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया होता है। चले रहो तो पता नहीं लगता, लेकिन अगर खड़ जाओ और वो भी बैठो नहीं सीधे रहो, खड़े रहो तो मतलब दिक्कत होती है। बाकी चलो अब वहीं रुकेंगे जाकर लंगर में ही, वहाँ ये है कि अपना 15-20 घंटा आराम से रेस्ट करेंगे, बढ़िया आराम मज़े से, उसके बाद चलेंगे आगे, क्योंकि प्लेन एरिया है, एक बार बढ़िया अच्छे तरीके से रेस्ट होगी फुल्ली तो आगे फिर पेट भी भरा होगा, आगे फिर खींच देंगे। क्योंकि यार देखो पता है होता क्या है कि जैसे मान लो शोल्डर्स में पेन लग गई, लेग्स में पेन लग गई, लेकिन जैसे खाना खाते हैं तो सारी पेन गायब हो जाती है अपने आप। चलो यहाँ पे आगे फिर जूसेस वाली शॉप आ रही है, तो 10 रुपये का गन्ना जूस पी लेंगे, क्योंकि पीछे वो जो था मैं फ्लाई ओवर के नीचे बैठा था वो तो लूटने बैठ गया था, 50 रुपये का बोला था कि भाई ये ट्रैवलर है घूम रहा है तो 50 रुपये का पी लेगा, तो 50 रुपये काम आएंगे मेरे आगे, यहाँ 10 रुपये का पी लूँगा बढ़िया आराम से। अभी 10:30 बजे का टाइम हो रहा है,
और बैठने के लिए कोई खास जगह मिली नहीं। अभी लंगर वाला भी वो बोल तो रहे हैं कि आगे है, पर मेरे को लगता है शायद दूर है वो अभी, तो मैंने यहाँ एक गन्ना जूस पिया और यहीं बैठ गया हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या 10:30 तीन चार घंटे हुए लगातार चलते हुए, 15-20 मिनट यहाँ रेस्ट करता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। होटल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। अभी 10:46 हो रहे हैं लेकिन यार अभी एक मेरा पानी ख़त्म हो गया था तो एक भैया चले हुए थे पीछे तो पानी की बोतल गिर गई नीचे, मैंने उनको पूछ लिया उनके, उन्होंने डाली थी बैग में साइड में बोतल ना, कहाँ जा रहे हो, बोले बस पकड़ेंगे हम तो, यार थोड़ा सा पानी दे दो, उन्होंने बोतल ही दे दी प्लास्टिक की थी, बोलते कि हम इसी कंपनी में काम करते थे बद्दी में बोटल्स वगैरह बनाते थे, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं एक रख लो आप, तो एक बोतल दे दी उन्होंने मुझे। और अभी ना भूख लगी है काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से और ये मैं पक्का करूँगा, मैं यहाँ से चाय चपातियाँ रख लूँगा अपने पास, तो ये थोड़ा सा प्रसाद दे दो, उन्होंने डाल लिया बैग में, आगे जहाँ भूख लगी खा लिया। यार उम्मीद तो है कि अब आ जाना चाहिए जल्दी, अभी चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, तो अभी 11 बज रहे हैं और अभी तक जो पीछे उसने बताया था कि आगे जाके है फ्लाई ओवर उतर के, तो काफ़ी आगे है। और अभी जो है थके मैं चूर हो चुका हूँ क्योंकि खाया नहीं था कुछ तो, चलो ये कल उसने ब्रेड ये दी थी हिमाचल वाले भाइयों ने, ये खाता हूँ यहाँ पे 5 मिनट रेस्ट करके फिर आगे की तरफ निकलूँगा खाना खा के। अभी तक मैंने 12 किलोमीटर ऐसे कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद। ये रही वो बोतल जो मैं बता रहा था। बाकी यार चलो अब यहाँ से निकलता हूँ, धीरे धीरे चला जाऊँगा। अभी तक काफ़ी अच्छा है, 11 बजे तक हमने 12-13 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं और खाना खा के तो हम थोड़ा और भी आराम और भी जल्दी अच्छे से कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो यही है कि वो पैरों के जो छाले कल फटे थे वो दर्द कर रहे हैं आज काफ़ी ज़्यादा, लेकिन चलो चले रहेंगे आराम आराम से। ये जो भी छोटी सी गाड़ी पे जा रहे हैं अंकल, ये अंकल अभी मतलब कि जैसे छोटा सा रिक्शा बनाया है इन्होंने, सामान वगैरह ढो रहे होने, पेट्रोल पंप पे बैठा था मैं पीछे ना 5 मिनट रेस्ट करने, वहाँ से आके यहाँ पे मुझे 100 रुपये दे गए कि आगे चाय पानी नाश्ता कुछ कर लियो मेरी तरफ से। मतलब यार एक सोचने वाली बात है, बंदा कहाँ इतनी मेहनत कर रहा है सामान ढो रहा है और इतनी हिम्मत। चलो और अब ना मैं हाईवे पे नहीं चल रहा हूँ, ऊपर ना जैसे ये नीचे वाला रोड है ये भी हाईवे कोई कनेक्ट करेगा ऊपर, तो नीचे वाले पे चले रहे, नीचे वाले पे कम से कम पेड़ तो है, हवा तो है लगी हुई। बाकी ये है यार कि अब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, कुछ खाने को चाहिए जल्दी से जल्दी। 11:30 बज रहे हैं, चलो कोई नहीं आने वाला होगा लंगर भी। अभी यहाँ किसान आंदोलन वाला जो लंगर लगा हुआ है उससे पहले भी एक गुरुद्वारा आता है, ऐसा बताया पीछे भैया ने, वहीं चला जाऊँगा खाना खा के आधा पौना घंटा रेस्ट करूँगा फिर निकलूँगा फिर से, क्योंकि यार खाना खा के ना स्ट्रेंथ सी आ जाती है, अभी सभी मसल्स बॉडी की चीख चीख के बोल रही है कि खाना खिला दो। कन्याकुमारी तमिलनाडु पहले जाना है? हाँ जी हाँ जी। तो बस ट्रेन से जाना? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। आज 9वां दिन है मेरा। अच्छा। अभी तक 220 किलोमीटर हो गए हैं। नहीं मैं तो ये कहना चाहूँगा आप, अगर आप
नहीं नहीं जी, मैं पैदल जा रहा हूँ ना जी। नहीं वो आपकी इच्छा है। हाँ जी, अगर आपको ऐसी कोई हो है, नहीं नहीं जी, तो मैं आपको टिकट दुआ के ट्रेन में बैठा सकता हूँ, चीजें कर सकता हूँ। नहीं नहीं जी, आपने सौ ये हेल्प की आपकी बहुत बहुत। नहीं मैंने जी, वो आपके हैं कोई बात नहीं जी। हाँ जी हाँ जी, रोटी पाई खाना है तो कुछ गलती खानी है, छोटी खानी है, यहाँ फ्रूट कोई खाना खा सकता है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, तो यार अभी गुरुद्वारा अंदर की तरफ है ना जाके, ये पुरानी इमारत है और वो नई इमारत है, उसमें चेंज हो गया, लेकिन चक्कर ये है कि यहाँ पे कोई है नहीं अभी, और जितना अंदर जाने को क्यों जाना फिर अगर कोई अंदर कोई मिले ना, तो इससे अच्छा मैं यहीं पे, मैंने पंखा ऑन कर दिया है। ऐसे भी धूप है अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़, तो यहाँ पे आराम कर लेता हूँ दो तीन मिनट और फिर यहाँ से निकलूँगा, और आगे अब एक 101 किलोमीटर पे ही है लगाओ लंगर ना, वहाँ बढ़िया अच्छे तरीके से लंगर चख के आधा घंटा आराम करके, 1.5 घंटा आराम करके फिर चलेंगे, फिर शाम को 6-7 बजे तक जितना चला जाएगा चलेंगे। और आज हमारा कोई ये नहीं है कि हमने गुरुद्वारा में रुकना है, इसमें रुकना है, उसमें रुकना है, आज हमें मान लो अगर हमें मिल जाता है गुरुद्वारा तो ठीक है, अदरवाइज़ कैंपिंग वगैरह अब हम शुरू कर देंगे, तो ये कोई सीन नहीं है। लेकिन ये है कि सुबह अपना टाइम से निकलो, थोड़ा बहुत खाने का बैकअप बना रखो, और दोपहर में 1-1.5 घंटा मतलब खा पी के आराम करो, कड़ी धूप में मत चलो। अभी मैं बोल ही रहा था कि यहाँ पे है नहीं कोई, तब तक एक बाबा जी आ गए कि ऊपर है मतलब यहाँ गुरुद्वारा में बंदे, तो आप ऐसा करो कि उनसे ले आओ थाली में डलवा के, और नीचे वहीं खा लो, वहाँ गद्दा भी लगा हुआ है, गद्दा भी है रखा हुआ, गद्दा बिछा के बढ़िया अपना आराम भी कर लेना। मगर ठीक है जी, क्योंकि पता क्या हो चक्कर क्या है कि जैसे अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इस टाइम, वो इसलिए क्योंकि अभी जैसे मैं चला तो मसल टिशू ब्रेक हो रहे हैं, तो इनको साथ साथ में कुछ चाहिए भी ना बनाने के लिए, वो खाना है नहीं कुछ खाया हुआ, जो खाया था वो बच गया है, तो वही है कि तो बोलता है कि शरीर के भी सो जा फिर रिकवर करते हैं। तो अभी ये है कि मैं खा के 1/2 घंटा वहाँ लेट के तब निकलूँगा आगे, क्योंकि यार जल्दी नहीं करनी नहीं है। मैंने पहले माइंड में ये रखा हुआ था कि इस दिन 30 कर दूँगा, इस एक दिन 35 कर दूँगा, इतना कर दूँगा, लेकिन नहीं, टारगेट नहीं लेके चलना अब जो है, हमने कुछ नहीं रखा कि हमने यहाँ रहना है या वहाँ रहना है, कुछ सिलेक्ट नहीं, क्योंकि आगे कुछ पता ही नहीं है, जहाँ रात को होगा जहाँ बनेगी बात वहाँ रह जाएंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तब तक के लिए ये है कि अब यहाँ से खाना लेके नीचे बैठ जाऊँगा बढ़िया आराम से। जी तो ये रहा, गद्दा उछा लिया मैंने, पंखा लगा दिया, बाकी ये गुरुद्वारा अब खा के यहाँ आराम करके फिर निकलूँगा, जब मतलब लगेगा ना अपने आप को तब निकलूँगा। ठीक है जी। हाँ जी, तो अभी खाना मेरा हो गया, खा लिया मैंने चार ही परांठे वो और दाल भी, और अब जो है ना ये दवाई खा लेता हूँ पैरों की, ना ये मैंने खाई नहीं थी सुबह, ना सुबह मैंने खाना खाया था, लेकिन पता नहीं ध्यान मेरा आया नहीं कि भी खाना खाया टेंशन, और ये खाई नहीं दवाई है, ये खा लेता हूँ अभी, और अभी ऐसे भी दोपहर का टाइम है, धूप थोड़ी तेज़ है, तो आधा घंटा 40 मिनट यहाँ रेस्ट करके फिर से चल पड़ूँगा। हाँ जी, तो अभी हम शाहबाद से 16 किलोमीटर पीछे हैं, और मैंने यहाँ रेस्ट करके बैग गद्दा वगैरह वहीं रख दिया बेड पे, पंखा वगैरह ऑफ करके मैं अभी यहाँ से निकलते रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कम से कम 45 से 50 मिनट की रेस्ट की, और तो कुछ नहीं यार, ये जो पैर के नीचे हुआ है ना छाला, जैसे चल रहा हूँ तो इससे पानी निकल जा रहा है, फिर जैसे रेस्ट कर रहा हूँ तो ये फिर भर जा रहा है, फिर निकल रहा है, बस यही कर रहा है, दिक्कत और तो कुछ नहीं है। बाकी धूप थी काफ़ी ज़्यादा तेज़, फिर तभी पहले 1 बजे भी नहीं चला, मैं कहा यार रुको चलता हूँ, वेट को 1:30 हो गए थे, मैं कब निकल जाता हूँ, धूप तो अभी तो कहाँ यार, अभी आगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होगी ये। अब चलो ये कि अब खाना खा लिया है ना, अब टेंशन वाली बात नहीं है, अब आराम आराम से चले जाएँगे, जहाँ कहीं ज़रूरत होगी 5 मिनट रुक लिए। अब ये है कि अब मेनली सिर्फ एक ही पैर में प्रॉब्लम रही है, बाकी सब कुछ ठीक हो गया।
कोई खास दिक्कत नहीं है, नहीं सब ठीक है। बस यार जो पैर के नीचे है ना वो बार बार जब रुक जा रहा हूँ तो वो फट जा रहा है, फिर चल रहा हूँ तो वो फट जा रहा है, सुस्ती का है। बाकी आज जैसे नेचर बहुत बन गई है, बाकी आज कल तो हमें धूप बहुत कम मिली थी, ना के बराबर थी, लेकिन आज तेज धूप है, फिर भी आज मतलब साफ आसमान ही है लेकिन फिर भी तेज है। चलो इस तरह से रास्ता, यहाँ इस साइड तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है और रोड भी काफ़ी देर तक सीधा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये जो परे वाली साइड है इस साइड चला जाता हूँ, इस साइड भी काफ़ी घने पेड़ लगे हुए हैं और छाँव ही छाँव रहेगी आगे तक। चलो क्रॉस करते हैं, इस साइड काफ़ी अच्छा है, थोड़ी देर बाद पेड़ आ जा रहे हैं और बढ़िया छाँव लगी है साथ में, जैसे गाड़ियाँ जा रही हैं तो इनकी हवा लग रही है सीधी फेस पे, पता नहीं शायद एक तो लेफ्ट फुट पे वो अभी है ना वो पीछे इसके बेस पे छाला, और दूसरा पता नहीं शायद अभी नहीं नस कुछ जहाँ अंगूठा होता है उसके पास नस में हो रही है प्रॉब्लम, पता नहीं शायद क्या दिक्कत हो गई है, रुकना पड़ेगा क्योंकि फोर्सफुली चलता रहूँगा कि कहीं ऐसे कुछ बढ़ ना जाए। और यार सोच रहा हूँ कि जूते डाल के ट्राई करता हूँ एक बार कैसे रहता है, अभी ऐसे बढ़िया छाँव हो रही है आगे की तरफ ना बादलों की, अच्छा खासा डिस्टेंस कवर हो जाना था आज भी, लेकिन आज ये पैर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको पता ही होगा कि नस की प्रॉब्लम, अगर नस में कोई दिक्कत हो जाए तो क्या कैसी दर्द होती है। क्योंकि अगर एक बार शरीर को आदत पड़ गई ना उसके बाद तो अपना सुबह उठे नहाए धोए खाना खाया चल पड़े, थके रुक गए फिर से चल पड़े, अभी जी रुकना पड़ेगा 5 मिनट ना, शायद मैं एकदम चल पड़ा तब यहाँ जैसे हो रही थी दिक्कत ना, 5 मिनट रुक लेता हूँ यहाँ पे फिर चलता हूँ यहाँ से, अभी ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखी है। ऐसे तो जैसे मैं हिमाचल में चला था तो हिमाचल में तो मैं पूरा इन्हीं जूतों में चला था, उसके बाद ही मैंने यहाँ आके चप्पले पहनी, तो मैं ये सोच रहा हूँ यार कि अभी ना फिर से एक बार जूते ट्राई कर लेता हूँ क्या पता ठीक रहे, क्योंकि अभी प्लेन इलाका है कोई ऐसा फोर्स तो पड़ेगा नहीं, ये ना स्पेशली वॉकिंग शूज़ हैं, तो ये देखो इनके अंदर ना कुछ नहीं मतलब पैर का जो बेस है उस पर कब अभी तक कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आई नहीं है, छाले हुए हैं तो या तो पीछे हुए हैं या आगे हुए हैं, वो जैसे कि पहाड़ में कभी उतराई चढ़ रहे थे कभी चढ़ाई चढ़ रहे थे। यहाँ साइड से थोड़ी देर बाद ट्रेन जा रही है, बाकी यार जूते डाले मैंने कम से कम 2 दिन बाद ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या डाल लिया हो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सॉफ्ट लग रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइट लग रहे हैं आगे से, मैं खोल लेता हूँ, बाकी यार इनमें चलना तो आसान ही लग रहा है, खोल लेता हूँ एक बार फिर देखता हूँ। हाँ जी अभी 2:37 हो रहे हैं, और जो मैंने आपको नस वाली प्रॉब्लम बताई थी वो सॉल्व हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ छालों में दर्द हो रही है लेकिन चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं, चले रहेंगे अब। कुछ है पुरानी टेंशनें जो अभी तक साथ जुड़ी हुई हैं, कि कभी कोई फ़ोन आ जाता है किसी तरह का, कभी कोई फ़ोन आ जाता है उससे ना थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं, मतलब मन थम सा जाता है,
लेकिन नहीं अब नहीं, जितना प्रॉब्लम्स आएंगी ना हम अगर हम तो नहीं आगे बढ़ेंगे, चले रहेंगे अब बढ़िया आराम आराम से, रुकेंगे नहीं। अब रुकने का मतलब तब है 3-4 किलोमीटर करो पहले, फिर अपना 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर करो। काफ़ी ज़्यादा धूप है यार, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं जिसको। दुखेरी मैं, मुझे पहले भी किसी ने सलाह दी थी पीछे की, रुक तू जल्दी जाया कर और सुबह निकल लिया कर, जैसे 4 बजे निकल गए तो 4 से 5-8 बजे तक बड़ा भारी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है, और उसके बाद फिर पूरा दिन गए और आराम करते करते रुकते रुकते वही यार इस तरह से रास्ता। अब शाहपुर यहाँ से 9-9.5 किलोमीटर रहा है जी। तो ऐसे तो पीछे मैं फ्लाईओवर पास करके जा रहा था ऊपर से, लेकिन ऊपर से नहीं जाना चाहिए, नीचे से ठीक है, नीचे से। अभी मैं यहाँ पे 5 मिनट रेस्ट करूँगा, बाकी भैया को बोला था मैंने कि नींबू पानी के लिए बोल देगी, चलो दे दूँगा। और यहाँ पे 5 मिनट रेस्ट करके एकदम शांत खून ठंडा करके फिर से चल पड़ेंगे। धूप में तो यही होगा कि 2-3 किलोमीटर करो फिर एकदम रेस्ट करो फिर से चलो। जी तो अभी निकल गया हूँ यहाँ फ्लाईओवर के नीचे से, लेकिन पता नहीं शायद बैठने में कोई गलती कर दी होगी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। चलो कोई नहीं, इन्होंने बोला कि आगे एक हनुमान का मंदिर है रोड के साइड में, वहाँ पंखा लगा हुआ है बढ़िया, वहाँ रेस्ट करो, अभी धूप में मत चलो, तो वहाँ रेस्ट करेंगे, बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बाकी यार आज मुझे वाईफाई वाला भी ढूंढना पड़ेगा कोई की किसी के यहाँ लगी हो शॉप पे ना, क्योंकि ये वीडियो अपलोड करनी है तो वहीं होगी। बाकी जी चले हैं आराम आराम से। और कल भी मैं ये बोल रहा था कि रेस्ट करनी है, 29-30 नहीं करूँगा आज, 20-21 ही करूँगा, जल्दी रुक जाऊँगा 3-4 बजे, लेकिन कल भी 6:30-6:30 गए थे 6:15, तो आज कर लेंगे जल्दी रेस्ट ना, आज 2-3 बजे कर लेंगे रेस्ट। मेरा तो मन कर रहा है अभी कर लूँ, चलो देखते हैं अभी कर लेते हैं यार, यहाँ पे नज़दीक में जो भी होगा, अभी 3 बज रहे हैं वहीं रुक लूँगा, जो काम पूरा काफ़ी पेंडिंग पड़ा है निपटाने को निपटा लेते हैं, और आज के लिए काफ़ी है तो नहीं, कल रेस्ट करके अच्छे से निकलेंगे। हाँ आगे भी यही करेंगे कि वैसे 8-10 दिन रेगुलर चले, फिर एक दिन रेस्ट कर ली, क्योंकि है कुछ प्रॉब्लम्स में करूँगा शेयर अगले ब्लॉग में करूँगा। पर एक बात है, प्रॉब्लम्स चाहे जितनी मर्जी हो जाएं लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे धीरे ही सही लेकिन चले रहेंगे। चलो देखते हैं, अभी पूछता हूँ यहाँ किसी से कि कोई पास में गुरुद्वारा है, नहीं तो मैंने गलती की, जहाँ मैंने खाना खाया ना आज वहीं रुक जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे अभी तक 8 दिन हुए तो 8 दिन में मैं कहीं भी रेस्ट करने के लिए रुकूँ तो ये मन नहीं किया कि हाँ यार बैठा रहता हूँ नहीं जाता हूँ बाद में जाऊँगा, बिना आज ऐसा मन कर रहा था। तो चलो कोई नहीं देखते हैं। हाँ जी तो अभी मैं ये ट्रैफिक पुलिस चौकी है मोड़ा, यहाँ रुका था लेकिन यहाँ का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी चलने में, और वो जो सुबह एक भैया ने बोला था ना कि बस तू अभी यहाँ आगे जैसे है वो लगा हुआ लंगर, वो अभी तक नहीं आया, और यहाँ पे
मैंने पुलिस स्टेशन पे पूछा कि यहाँ बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, बोला कोई नहीं बैठ जा पंखे के नीचे बैठा आराम है, और फिर पहले पानी पिला दिया ठंडा, फिर कॉफ़ी भी दे दी। कि सर बात कर रहे थे ऐसे कि रात को चलने का रिस्क नहीं लेना नहीं है, कि यहाँ करते ये हैं कि रास्ते में कहीं भी बेहोश कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, मतलब काट के बेच देंगे, पता भी नहीं लगेगा कहाँ गए। तो रात को नहीं चलना नहीं है, दिन दिन में चलना है और मेन रोड पर रहना है, ताकि किसी का हिम्मत ना पड़े छेड़ने की। और रुकना हुआ तो ये नहीं कि किसी से भी सहायता मांग ली, किसी के भी घर पे सहायता मांग ली, कोई बड़ा या बढ़िया होगा वहीं पे करना है, कहीं नहीं और कहीं नहीं। बाकी मंदिर में भी रुकने को मना किया, रुकना होगा तो गुरुद्वारा में रुकना, मंदिर में नहीं रुकना। मंदिर में रुकना होगा तो काफ़ी बड़ा मंदिर होना चाहिए, उसी में रुकना है, नॉर्मल मंदिर में नहीं रुकना है। काफ़ी अच्छे से बात हुई सर से। बाकी चलो अब यार आज सोचा है कैंपिंग ही कर लेंगे, लेकिन अब नहीं और चला जा रहा, अब आराम करेंगे। हाँ जी, तो अभी जो है 3:58 हो रहे हैं, 4 बज रहे हैं और अभी तक 19 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं। और आज मैं मोड़ी में हूँ, मैंने यहाँ हनुमान मंदिर है बहुत बड़ा, यहाँ से लिए मैं यहाँ पे अपनी कैंपिंग कर लूँगा, बाकी खाने की सुविधा मुझे मिल जाएगी, क्योंकि यार पैर में दिक्कत आ रही थी, तो आज यहीं स्टे ठीक है। बाकी चलो अब आगे कुछ और होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो आज जो है हमें इस तरह से शेल्टर मिल गया है, और इन्होंने बोला कि जैसे बिछाने को दे दिया है, नीचे ओढ़ने को भी कुछ ना कुछ दे देंगे, लेकिन ये है कि मैं खुले में काहे को सोना, कैंपिंग कर लेंगे अपनी शाम को खाना खाने के बाद। और अभी जो है 4 बज रहे हैं, तो अभी मैं ये करूँगा कि 5-10 मिनट आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं वो वीडियो एडिटिंग का काम कर लूँगा शुरू। और 2 दिन से मैंने ये भी नहीं खोल के पिया है, तो आज जैसा करता हूँ अभी इसको पी लेता हूँ, रेस्ट करके पीऊँगा तो ये कि पूरी कमी पूरी कर देगा ये। चलो उसको डाल के पी लेते हैं। अभी मंदिर वाले ये दे गए तो उनको खा लेता हूँ मैं। हाँ जी, तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और जो पुजारी जी थे मंदिर के, वो आए थे, बोलते कि टेंट वगैरह लगाने की नहीं कोई ज़रूरत, वहाँ है रूम, उसमें बेड लगा हुआ है, बढ़िया पंखा लगा हुआ है, वहाँ सोना रात को। यार ये जुगनी है, इसको बांध के चले गए हैं तो हो रही है परेशान। बाकी मैंने बैग से पैक कर दिया है अपना, बाकी चलो खाने के टाइम मिलता हूँ आपसे। एकदम बढ़िया चिल वाइब्स हैं यहाँ। पंखे लगे हैं, बेड मिल गया है, और ये पूरी तरह से अब खाना खाने जाऊंगा। बाकी चलो। हाँ जी, तो ये रहा हमारा खाना, खा के फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ जी, तो डिनर हो गया है मेरा, और भैया जी केक भी ले आए थे, क्योंकि इनका जन्मदिन होगा पिछले कल। अभी मैं बिस्तर तो मेरा वहाँ है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि मैं ना जो व्लॉग्स थे वो अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नेटवर्क ठीक है, तो day 7 भी हो गया अपलोड, day 8 हो रहा है, तो day 9 को मैं एडिट करके कल सुबह यहाँ से अपलोड करके ही जाऊँगा, ताकि रास्ते में नहीं तो पूरे रास्ते यार टेंशन रहती है, और अगर मैं अपलोड पे लगा दूँ तो बैटरी ड्रेन हो जाती है, तो वो रिस्क नहीं लेना नहीं है। बाकी चलो अब डिनर हो गया है मेरा, इस तरह भी आपने देख लिया है। बाकी यार आप सभी प्रार्थना करना कि ये पैर ठीक हो जाए मेरा, बाकी सच बोलूँ तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बाकी इसी के साथ मैं वीडियो पॉइंट करना चाहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक होगा, तो डेली अपडेट्स के लिए उसे फॉलो करें। बाकी कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स।